श्री सीताराम दोस्तों, तो आपको मेरा थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा कि आज मैं फिर से आप लोगों के लिए केक की रेसिपी लेके आई हूँ। तो ये ऐसी वैसी केक नहीं, ये बिल्कुल सात्विक, ना इसमें चीनी है, ना इसमें मैदा है और ना ही इसमें कोई ग्लूटेन है। बिल्कुल सात्विक मैंने केक बना के रेडी किया है, और जो कि मैंने चरणामृत फ्लेवर में बनाया है, जो कि हम प्रसाद के तौर में यूज़ करते हैं, उसी से मैंने बनाया है। पांच चीज़ें मिला के और इसमें कुछ नहीं है। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप मैंने दही लिया है और 1/4 कप मैंने दूध ही लिया है, और साथ ही यहाँ पर मैंने लिया है शहद। और ये जो मेरा मेज़रमेंट है ना, वो मैंने दो दो बार लिया है। अगर आपको इस क्वांटिटी में बनाना है तो आप दो दो बार में इसे डाल सकते हो, क्योंकि मेरा जो केक टिन है वो थोड़ा बड़ा है तो मैं ज़्यादा बनाया है। और साथ ही मैंने यहाँ पे डाला है 1/4 कप मिश्री, और 1/4 कप मैंने यहाँ पे देसी घी लिया है। और इन सबको हम अच्छे से विस्क की मदद से हम इसे विस्क करेंगे, अच्छे से मिलाएंगे, ताकि जितने भी मिक्सचर है वो आपस में मिल जाए और बहुत एक अच्छा सा बैटर हमें मिल जाए। तो इसे हम कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। और क्योंकि जो हमने इसमें मिश्री डाला है वो मैंने थोड़ा सा बारीक करके पीस लिया था, मतलब पूरा फुली बारीक तो नहीं हुआ था, मतलब थोड़ा बहुत, तो इसमें जो मैंने साबुत साबुत जो रह गया है तो उसे मैंने अच्छे से विस्क की मदद से उसे घोला है, ताकि जो मिश्री है वो आपस में मतलब बहुत अच्छे से उसमें मेल्ट हो जाए और हमारा जो ये मिक्सचर है वो बहुत अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पर हमारा मिक्सचर रेडी था। तो अब बारी आती है इसमें सूजी मिलाने की, जो कि मैंने 2 कप मैंने सूजी लिया है। अगर आपको 2 कप ज़्यादा होगा तो आप 1 कप के हिसाब से ले सकते हो, जैसे कि मैंने आपको मेजरमेंट पहले ही बता दिया था। और लास्ट में हमने इसमें मिलाया है 1 टीस्पून कार्डमम पाउडर, जिससे कि बहुत अच्छा खुशबू आता है। हम इसमें कोई वनीला एसेंस नहीं डालेंगे, ना ही कोई चॉकलेट डालेंगे, क्योंकि ये हमने चरणामृत फ्लेवर में बनाया है। तो जैसे प्योर चरणामृत होता है ना, सिर्फ 5 चीज़ें जाती, हम इसमें वही मिलाएंगे और इसे हम अच्छे से मिलाना स्टार्ट करेंगे। अच्छे से, इसमें कोई लम्स नहीं होना चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने इसे अच्छे से मिला लिया था। और जो ये केक है ना, ये सच में बहुत टेस्टी बन के रेडी होता है, और ये खाने में थोड़ा हैवी भी हो जाता है, और लेकिन इसमें कोई भी ऐसे ग्लूटेन वगैरह कोई मैदा नहीं है, तो आप इसे खा सकते हो। और साथ ही मैंने यहाँ पे थोड़ा सा केसर डाला है कलर के लिए, और साथ ही मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला है, और 1.5 टीस्पून यहाँ पे मैंने बेकिंग सोडा डाला है, और साथ ही मैंने यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स कट करके डाल दिए थे। आप ड्राई फ्रूट्स में कुछ भी ले सकते हो, तो जैसे कि पिस्ता हो गया, बादाम हो गया, किशमिश भी आप डाल सकते हो। तो इन सबको मैंने अच्छे से मिला दिया है, मिक्स कर दिया है, ताकि जो ड्राई फ्रूट्स है वो बिल्कुल अंदर अंदर तक चले जाएँ, और हर हमारे बाइट में, हर केक के बाइट में हमारा अच्छे से ड्राई फ्रूट्स आए। तो इसे भी मैंने अच्छे से मिला दिया था, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। आजकल हम देखते हैं कि बहुत से लोग केक को भी भगवान को भोग लगाते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं है ये सही है या गलत है। अगर आप चाहो तो आप इस वाले केक का भोग लगा सकते हो। तो यहाँ पर हमारा बैटर बनके रेडी था, तो इसे हम आधे घंटे के लिए रेस्टिंग के लिए छोड़ देते हैं, ताकि हमारा जो बैटर है वो अच्छे से फ्लफ़ी हो जाए। और आधे घंटे के बाद जब मैंने इसे देखा तो हमारा बैटर थोड़ा फूल के ज़्यादा हो चुका था, एक्स्ट्रा हो चुका था, और क्योंकि इसमें हमने सूजी मिलाया तो सूजी थोड़ा पानी पीती है, और जितना हम सूजी को रेस्ट के लिए रखेंगे उतना ही जो भी हमारा केक है वो बहुत ही फ्लफ़ी बनेगा और बहुत अच्छा बनेगा। और अगर आप इसे रेस्टिंग मोड में नहीं रखते हो तो ये आपका केक जो है ना, फूला फूला भी नहीं बनेगा और सारा बेकार बन जाएगा, मतलब गुठलियाँ जैसी हो जाएंगी। तो आप अगर जब भी केक बना रहे हो सूजी का, तो ध्यान रखिए मिनिमम आधा घंटा तो आपको रेस्टिंग के लिए इसे ज़रूर रखना है, तभी आपका केक स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनेगा। तो यहाँ पर हमारा बैटर तो रेडी हो गया था, तो अब हम अपने ओवन को प्रीहीट कर लेते हैं। प्रीहीट करने के लिए हम इसे 180 डिग्री में इसे प्रीहीट करने के लिए रख देंगे 10 मिनट के लिए, और अगर आपका ऑटोमेटिक है तो ऑटोमेटिकली ये 10 मिनट के बाद आपका ओवन है अपने आप बंद हो जाएगा, जैसे कि ये वाला होता है मेरा वाला। तो उसके बाद हम क्या करेंगे ना, हम अपना केक टिन लेंगे और उसको हम अच्छे से ग्रीस करेंगे। इस पे भी मैंने यहाँ पे देसी घी का ही यूज़ किया है, कोई बटर वटर कोई ऑयल यूज़ नहीं किया है। हम अच्छे से इसे ग्रीस कर लेंगे, और वैसे तो ये वाला केक टिन बहुत अच्छा है, बहुत ईजिली निकल जाता है, और अगर आपके केक टिन में
केक चिपकता है तो आप इसमें बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हो, तो उससे बहुत इजीली निकल जाता है, डीमोल्ड हो जाता है। तो हमारा जितना भी बैटर है उसे हम अपने केक टिन में डाल देते हैं, ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और आप जैसे कि देख सकते हो कि जो हमारा बैटर की कंसिस्टेंसी ना ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पानी पानी है, मतलब आपकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। और जो भी आपको केक के टाइम में आपको मेज़रमेंट बताया जाता है, आप उसी मेज़रमेंट के साथ इसे मेज़रमेंट करके बनाइए, तभी आपका केक जो है बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे मेज़रमेंट हो जाता है तो केक ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने ट्रांसफ़र कर लिया था, तो इसे हम अच्छे से डैप करेंगे ताकि जो इसका ऊपर का लेयर है वो बहुत अच्छे से स्मूथ हो जाए। और एक चम्मच की मदद से उसे मैं कर लूँगी, यहाँ पर मैं कर रही थी। और ये बहुत ही दिखने में इतना सिंपल केक है, बनाने में सिंपल केक है, लेकिन खाने में कोई बता ही नहीं सकता कि इसमें सिर्फ 5 इंग्रेडिएंट्स हैं, वो भी बहुत सिंपल सिंपल वाले। मतलब जो कोई भी खाएगा ना तो वो यही सोचेगा कि इसके अंदर क्या डाला है। तो ऊपर से यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स काट के डाल दिया था। तो अगर आप इसका भोग नहीं लगा रहे हो तो आप चाहो तो इसके ऊपर से टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हो या फिर स्प्रिंकल्स यूज़ कर सकते हो, बट मैं ये आपको सजेस्ट करूँगी कि आप विदाउट टूटी फ्रूटी और विदाउट स्प्रिंकल्स ही इसे टेस्ट करिए, कि ये बहुत अच्छा लगता है ऐसे ही। और ये इतना टेस्टी बन के रेडी होता है ना, बहुत यम्मी लगता है ये खाने में, बिल्कुल मावा वाला फ्लेवर आता है। और यहाँ पर मेरा जो ओवन था वो प्री हीट हो चुका था, तो इसमें मैंने लोअर ट्रे यूज़ किया है और इसमें हम अपने केक को 180 डिग्री सेल्सियस में 30 से 35 मिनट में ये बन के रेडी हो जाता है। तो पहले मैंने टाइमर इसका लगाया है 30 मिनट, और ये 30 मिनट में बिल्कुल बन भी गया था बहुत ईजीली। और अगर आपका लगे कि मतलब 19-20 का फ़र्क आ रहा है तो आप 1-2 मिनट और बना सकते हो इसको ओवन में, ताकि आपका जो केक है वो अच्छे से कुक हो जाए, बट उससे ज़्यादा नहीं करना है आपको, क्योंकि फिर आपका जो केक है वो जल भी सकता है। तो यहाँ पर मेरा जो ओवन में केक था वो बहुत अच्छे से पक रहा था और खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी ना, तो मतलब 30 मिनट के बाद जब मैंने खोल के देखा तो ये बिल्कुल परफेक्टली बन गया था। और आप कलर देख सकती हो कितना अच्छा लग रहा है, कितने मज़ेदार कलर आया है ऊपर से। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक चॉपस्टिक की मदद से देखा कि इसमें कोई पका है या नहीं पका। अगर आपका चॉपस्टिक बिल्कुल क्लियर बाहर आता है तो आपका केक बिल्कुल रेडी है। और कोने कोने में बीच में भी डाल के देख लीजिए, नहीं तो ऐसा होता है ना कभी कभी कि बीच में पक जाता है और कोने में नहीं पकता, और कोने में पक जाता है और बीच में नहीं पकता, तो आप हर साइड में चॉपस्टिक डाल के देखिए। तो अब इसे बारी आती है, बिल्कुल ठंडा हो चुका था केक मेरा, और ठंडे होने के तुरंत बाद इसे, मतलब आप ज़्यादा प्रॉपर ठंडा नहीं करेंगे, पूरे गर्म में भी नहीं करेंगे, तो चक्कू से क्या करना है, इसे डीमोल्ड करने के लिए इसे कट्स करने हैं इसके साइड साइड को आराम से। मतलब अगर वो चिपका भी होगा ना मोल्ड में तो ये ईजीली चक्कू की मदद से निकल जाएगा। और इसे मैं अच्छे से डीमोल्ड कर दूंगी, और ये बहुत इजीली डीमोल्ड हो जाता है। और ज़्यादा गर्म में अगर आपने किया तो आपका केक टूट सकता है, क्योंकि गर्म गर्म में ना केक बहुत ही सॉफ्ट होता है और डेलिकेट होता है। तो आप ध्यान रखिए कि गर्म में ना करिए, बिल्कुल जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए तब करिए। और आप देख सकते हो कि मेरा जो केक है वो स्पॉन्ज की तरह सॉफ्ट बन के रेडी हुआ है। और ये कट करके मैं आपको दिखाती हूँ, आप जैसे कि देख सकते हो वीडियो में कि कट भी बहुत इजीली हो चुका है ये, और ये इतना परफेक्ट पीस निकल के रेडी हुआ था ना, और ये मतलब देखते ही मेरे मुंह में एकदम से पानी आ गया। तो आप ज़रा इसको स्लो मो में भी देखिए। तो देखा आपने कि केक कितना अच्छा और कितने अच्छे से इसका पीस कट करके निकला था। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कितना स्पंजी बन के रेडी हुआ है, और उल्टा कर दिया मैंने इसको, और इसका जितना भी ऊपर का ड्राई फ्रूट निकल गया था। तो आप ध्यान रखिए इसको, क्योंकि ऊपर के ड्राई फ्रूट निकल जाते हैं। और अगर आप इसका भोग लगाना चाहते हो तो आप बहुत इजीली इसका भोग भी लगा सकते हो, क्योंकि हमने बहुत साफ़ सफाई से और बिल्कुल सात्विक तरीके से इसका केक बनाया है। और मुझे नहीं पता कि ये कान्हा जी को चढ़ता है या नहीं चढ़ता, भोग लगता है या नहीं लगता, क्योंकि जो हमारे हनुमान जी हैं उनको तो खीर बहुत पसंद है। तो ये सूजी का बना है, तो ऑब्वियसली ये मैं इसका भोग लगा सकती हूँ हनुमान जी को, और बाकी मुझे नहीं पता कि लगता है या नहीं लगता है। अगर लगता है तो आप ज़रूर लगाइए इसका भोग अपने कान्हा जी को, और ज़रूर खिलाइए, उनको खुश करिए और घर वालों को भी खुश करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक ले बाय।